मुंबई के मीरा रोड इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 56 साल के व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। व्यक्ति की हैवानियत यहीं नहीं रुकी, उसने शव के टुकड़ों को कुकर में उबालकर मिक्सर में पीस दिया। बीते कुछ दिनों से फ्लैट से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा तो वहां महिला का शव मिला। जांच में पता चला कि मनोज और सरस्वती यहां लिव इन में रहते थे। मनोज ने पेड़ काटने का कटर खरीदा था, जिससे वो महिला के टुकड़े करता था। फिलहाल पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो कल वाकया हुआ, ये इंसान का आपका इनका हाव भाव कैसा था, इस विषय में आप कुछ नहीं? नॉर्मल थे वो, फैमिलियर थे नहीं, वो अपने से अपने मतलब रखते थे। 3 साल से मेरे को नाम भी नहीं मालूम था उनका क्या है। और सर कुछ फैमिलियर थे नहीं, कोई फेस्टिवल कोई त्योहार में कोई बाहर नहीं आते थे, वो अपने रूम में ही रहते थे। और इस बात की जानकारी आपको अंदाजा कैसा हुआ, और आप पुलिस को कॉल पहले किसने किया, फिर घर खुलने के बाद क्या मंजर था? ये अंदाजा मुझे ही हुआ था, मंडे इवनिंग या ट्यूजडे मॉर्निंग तक एक स्मेल आ रही थी, चूहा मर जाता ना वैसे स्मेल आ रही थी। हम तो कभी ऐसे सोचे भी नहीं थे कि कभी ऐसा अपने घर के बाजू में होगा। हमें लगा कि नॉर्मली कोई चूहा मर गया रहेगा, तो ये सब चीजें तो हमने खाली टीवी और सीरीज में देखी है कि ऐसा चीजें होती है, हमने लाइव तो कभी देखा नहीं था। कैसा हुआ, मंडे को आया मेरे को स्मेल, तो मैंने घर में ढूंढा पहले कि घर की खिड़की से आ रहा था, तो सोफा वोफा देखा मैंने, बाजू वाले भाभी रहती उनके यहाँ देखा, कुछ नहीं था। फिर उनको मेरे को डाउट ही नहीं था क्योंकि वो कभी थे ही नहीं, खोलते नहीं थे, ताला आधे टाइम ताला रहता था उनके घर पे। तो वेनेसडे को मैं आफ्टरनून में आया ऑफिस से, तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत ज्यादा मतलब खिड़की विंडो से सब जगह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पांस नहीं था, अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरा मेरे घर में, तब शक हो गया मुझे कि कुछ गलत है, नहीं तो खोल के बात करते ना अगर कुछ ऐसा रहता तो। अगर डक वक की स्मेल आ रही तो बात करते कि डक भर गया है तो बाहर आ रहा है, तभी भी नहीं खोला उन्होंने। 5-10 मिनट में खड़ा रहा, उसके बाद नीचे चला गया, नीचे गया तो 15-20 मिनट वो खुद भी आए नीचे ये जाने के लिए बैग भी लेके। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ है, शायद आपके घर में स्मेल आ रही है, मेरे घर में स्मेल आ रही है, सब रहते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, एक बार देख लेते अपने घर में, शायद कोई खिड़की पे कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, टैरी से गिर वीर के कुछ भी। तो उनने रिस्पॉन्स दिया, बोला मेरे को अर्जेंटली जाना है बाहर। तो मैंने बोला एक 5 मिनट देख लेते उसमें क्या है, फिर आप चले जाना। बोले नहीं अर्जेंट जाना, मैं 10:30 बजे आता हूँ, फिर अपने देखते क्या कर सकते हैं। ठीक है जाओ फिर। तो मैंने बिल्डिंग में बोल दिया सेक्रेटरी चेयरमैन को कि ऐसे ऐसा इशू है, क्योंकि स्प्रे जो मारा था ना, स्प्रे के बाद खोला भी नहीं और डायरेक्ट वो बाहर, और जब वो नीचे उतरे थे तो उनकी बॉडी में से वैसी स्मेल आ रही थी। कल दिनांक 7 जून को नया नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता खाजीप करके सोसाइटी, वहां पे 7वें फ्लोर 7वीं मंजिल से एक फ्लैट है, वहां से बदबू आने का इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहां पे देखा, वहां से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कन्फर्म की। वहां पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहां पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, ऑफिस को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजू हॉस्पिटल में भेजे हैं। इस घटना के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302(2)(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वनकुटी कर रहे हैं। थैंक यू। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।